सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। जुलाना में गांव करसौला में 3 दिन पहले शराब के ठेके पर कारिंदे की हत्या हुई, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जिसके चलते पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। जुलाना के थाना प्रभारी ने बताया कि 3 दिन पहले करसौला में शराब कारिंदे की हत्या में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने खुद ये बात कबूली है कि शराब ठेके पर रोज जाने से मृतक और आरोपी अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसके चलते शराब ठेके पर उसकी 1200 रुपए की उधारी हो गई थी, और जब कारिंदे ने उससे उधार के पैसे मांगे तो दोनों में कहासुनी हो गई, जिससे शराब के कारिंदे ने आरोपी को गालियां दी, जिसके चलते आरोपी ने गुस्से में शराब के कारिंदे पर कस्सी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ने अपना ये गुनाह किसी ग्रामीण को बताया, जिसने पुलिस की मदद की और आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। परसों की रात को ये है अपना नरेश कुमार सन्नोफ ईश्वर मास्टर वासी जुलाना, जो वहाँ शराब की दुकान पर कारिंदा था, लेकिन उसने मामन को लड़की की और उसकी घरवाली की बद्दी बद्दी गालियाँ देने लगा थी। इनकी आपस में कहा सुनी होने पर इसके एक बिंडा इसके खोप मारे, जो इसके चोट का निशान भी है। तो मारने के बाद में फिर इनकी गुत्थम गुत्था आई तो उसका एक हाथ, मृतक का एक हाथ कटा हुआ था और मृतक का एक दूसरा हाथ से इसके नले पकड़ के दाब लिए, जो इसके काफ़ी दर्द हुआ। वह पास ही कस्सी रखी थी, इसने ठा के कस्सी मारी। एक कस्सी मारने के बाद में इन्होंने जान से मारने की इरादा कर लिया और इसको इन कस्सी उस काट गया। इसको इसके किसी आदमी के सामने इसने अपना जुडिशल कन्फेशन किया, उस आदमी ने इसको थाने में पेश किया। जुलाना से जयवीर संधू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।